वाशीनाका के एलयू गडकरी मार्ग प्रकाश नगर स्थित मेटल बॉक्स कंपनी के भीतर के हिस्से में अनाधिकृत शेड का निर्माण कर 1.5 से 2 हजार मजदूर रह रहे हैं। लॉकडाउन तथा कोरोना महामारी के चलते ये मजदूर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख कर बेफिक्र यहां घूम रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन मजदूरों का मलमूत्र हमारे यहाँ के गटर में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गंदी बदबू आती है। राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष दीपक अड़ाव ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा महानगर पालिका को इस अनाधिकृत शेड पर कार्रवाई करने तथा शेड में रहने वाले बाहरी मजदूरों को वहां से निकालकर किसी अच्छी जगह उनके रहने की व्यवस्था करने की मांग की है और मेटल बॉक्स कंपनी के मालिक के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी दीपक अड़ाव ने की है। तो कम से कम 1000 से 1.5 हजार लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनको जो बाथरूम का पानी वगैरह छोड़ने जगह नहीं है तो इसमें छोड़ते हो लोग नाले में छोड़ने से काफ़ी गंदगी हो गए। बच्चे लोग बीमार वगैरह पड़ते हैं और बहुत सारा मच्छर वगैरह बढ़ गया एरिया में। और दूसरा सारा ये कोरोना की बीमारी में है ना, एक तो कंपनी वाले ने उनको मेडिकल वगैरह कुछ किया नहीं है। एक ही हर दुकान में 25 से 30 आदमी लोग ऐसे भीड़ जमा होता है, तो कल को अगर कुछ होएगा ना तो हम लोग के एरिया में वगैरह घर घर में बाथरूम वगैरह नहीं है तो पूरा लॉकडाउन किया तो हम लोग जाएंगे कैसे। तो हम लोग का कोई राशन पानी वगैरह कोई करने वाला कुछ है ही नहीं है। हम लोग गरीब लोग ऐसा जो कमाएगा वही खाएगा। हम लोग वही मेहरबानी से अभी तक ये कंपनी चालू है तब तक हम लोग को मतलब कुछ तकलीफ हुआ नहीं। कल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग को बहुत सारा तकलीफ हो जाएगा। ये इतना सर पता नहीं है लेकिन पूरा इनलीगल की तरफ से बस जो निकलते ना अंदर से कम से कम 8-8 बस निकलते हैं, पूरा ट्रैफिक होता है उधर से बहुत सारा। अभी बच्चे लोग का मतलब ऑनलाइन पढ़ाई चालू है, जब स्कूल वगैरह चालू होगा ना तो पूरी पढ़ाई की वाट लग जाएगी। इसके बारे में हमारे जो नगर सेवक है, नगर सेविका है निधि प्रमोद सिंधे जी, बस हम लोग के पास उसके पास ही शिकायत वगैरह करते हैं और उन्होंने बहुत सारे अच्छा एकदम काम का एकदम कम से कम अभी 1000-1200 लेबर तो रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट CEN News मुंबई।